आज हम बना रहे हैं बाजरे के कबाब। बाजरे के कबाब यूँ तो मेमनी डिश है, मेमनों की डिश है। मेमन और गुजरातियों के घर में ज़्यादा बनती है, और सर्दियों में ख़ास तौर पे बाजरा जो है वो अच्छा अच्छा होता है सेहत के लिए। तो कबाब बनाने के लिए मैंने ये कीमा लिया है, मैंने व्हील का कीमा लिया है, लेकिन आप चाहें तो गोट का भी ले सकते हैं और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कीमा जो है वो है 2 पाउंड, अराउंड 2 पाउंड है ये। इसको अच्छी तरह से धो लिया था और धो के इसको ड्राई कर लिया था। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है नमक हसबे ज़रूरत, मैं 1.5 टीस्पून रख रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून, और हल्दी है 1/2 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, लेमन जूस में डालूंगी 1 टीस्पून, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, क्यूमन सीड 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई, योगर्ट है 1 टेबल स्पून, टमाटर हम लेंगे एक टमाटर है बड़ा वाला, उसको चॉप करके रख लिया था। और ये बाजरे का आटा है, हर जगह दस्तियाब है, ये आसानी से मिल जाएगा आपको ग्रोसरी स्टोर पे। ये मैंने इसके लिए थे 6 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून भर के रखिएगा। इसके अलावा ये हरी प्याज है, लंबी वाली पूरी मैंने काटी थी पूरी 3। अगर इसकी जगह आप नॉर्मल अनियन भी ले सकते हैं तो 2 मीडियम ले लीजिएगा। ये हरा धनिया है हसबे ज़रूरत, और मैंने 5-6 छोटी वाली जो हरी मिर्ची होती है उसको काट के रखा था। कीमे में जाने वाली जो इंग्रेडिएंट्स है अब वो एक एक करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हमने रख दिया इसमें, नमक हसबे ज़रूरत आप ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी थी हमारे पास, और कुटी हुई लाल मिर्च है, ये कुटा हुआ क्यूमन पाउडर है, और ये कुटा हुआ रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर है, जो क्यूमन पाउडर था वो भी रोस्टेड था, और ये लेमन जूस है। ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने, और इसके अंदर हम दही भी डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना, और ये चॉप किए हुए टमाटर भी इसके अंदर रख के अब मैं इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग आप चम्मच से कीजिए या अपने हाथों से कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। मिक्सिंग करके तो हम इसको जो है वो 1 से 2 घंटे तक रख देंगे ढककर। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं कि रात को आप ये चीज़ें जो है वो सब मिक्स करके और रात को आप रख लें, और जब आपको फ्राई करना हो तो मज़ीद चीज़ें उसके अंदर जाएंगी, ऐड होंगी। जो चीज़ें रह गई हैं रिमेनिंग वो अब बाद में ऐड होगी फ्राई करते वक्त। ये आप देख रहे हैं इसकी शक्ल, सारे जो भी मसाले थे वो सारे मैंने इसमें अच्छी तरह से डाल के और मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इसको कवर करके तो रख दूँगी 2 घंटे तक, एटलीस्ट 2 घंटे तक तो आपको ज़रूर रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से जज्ब हो जाए मसाले जो भी लगे हुए हैं। और फिर इसके बाद 2 घंटे के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। कीमे को मैरिनेशन के लिए रख दिया था, जिसको अब ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं आप देख रहे हैं, और 2 आवर्स के बाद अब मैं इसमें ये ग्रीन अनियन, हरा धनिया चॉप किया हुआ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना भी आपको पसंद है, नॉर्मल अनियन भी आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ, और ये जो हरी मिर्च थी ये सब इसमें चला गया। अब ये जो बाजरे का आटा रखा हुआ था ये इसमें डाल के मैं अब इसमें मिक्स करूँगी, फिर मिक्स करके इसके हम कबाब बना के इसको डीप फ्राई करेंगे।
सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अनियन मैंने बाद में इसलिए रखी, पहले शुरू में मैंने इसलिए मैरिनेट नहीं की कि ग्रीन अनियन हो या अनियन हो, जब हम इसमें मिक्स करके कीमे में शुरू से रख देते हैं तो वो अनियन फिर पानी छोड़ देती है अपना। तो इसे जब आपको फ्राई करना हो उसी वक्त आप अनियन को जो है वो मिक्स कीजिएगा। तो बस ग्रीन अनियन और कोरिएंडर हरी मिर्चों को मैंने और आटे के साथ फिर मैंने बाद में फ्राई करते वक्त जो है वो मिक्स किया था। अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और अब ये देखें मैं इस तरह से ये उठा रही हूँ छोटे छोटे बॉल्स बना के और इसको बस मैं डालती जाऊँगी। इसका कोई शेप नहीं होता बाजरे के कबाब का, बस आप इस तरह पकौड़ों की तरह इसको आप हाथ में एक एक बाइट की तरह लेते जाइए और इसको आप डालते जाइए। और शुरू में जो आँच है वो तेज़ होनी चाहिए वरना बाजरे के कबाब खुल जाते हैं। फिर बाद में आप इसको हल्की आँच पे कर लीजिएगा, डालते वक्त आँच तेज़ होनी चाहिए। ये आप देखें इस तरह से आप लेते जाइए और कढ़ाई के अंदर डालते जाइए। बस इससे ज़्यादा मैं इसको ओवर नहीं करूँगी, बस एक और डाल देती हूँ और इसको आप होने दीजिए। अब आप ये देख रहे हैं मैंने शुरू में तेज़ आंच रखी थी और अब इसको कम कर दिया था बाद में, और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं है और कितने बेहतरीन गोल्डन कलर के कबाब रेडी हो चुके हैं। तो पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने इसको 2 घंटे के लिए रखा था। ये बहुत अच्छे से बाजरे के कबाब रेडी हो चुके हैं और बाकी कीमे के भी अब मैं इसी तरह बना के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बाजरे के कबाब मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिए हैं। जो 2 पाउंड कीमा था उसके ये हाफ के मैंने अभी फ़िलहाल कबाब बनाए हैं और हाफ मैंने अभी रख दिया है, वो मैं अभी बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाफ के इतने बने हैं। तो इसको आप जो है वो चटनी के साथ सर्व कीजिए और मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करूँगी ऊपर, आपकी मर्ज़ी है, आपके घर में जिस तरह से खाया जाता है आप वो कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रिंकल मैंने कर दिया चाट मसाला और आप ये चिली गार्लिक सॉस के साथ या केचप के साथ या जो भी चटनी है आप उसके साथ आप इसको अच्छे से खा सकते हैं, जो भी आपके घर में पसंद की जाए। मैंने चिली गार्लिक ली है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आप बताइएगा अपने व्यूज़ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा। अच्छा अब अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे हम इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।